हार्ट ब्रोक तो पहले से रहा है, दैट इज व्हाई माय फादर ही वाज सेइंग मेरे को लगता है मैंने गलत किया अपने बेटे को इस प्रोफेशन में झोंक के, नहीं मनाता इतना बड़ा, नहीं सपने नहीं देता इतने बड़े, एम्बिशन नहीं देता, शायद तू इस समय थोड़ी इजी जिंदगी जी रहा होता। संदीप वाज सो यू नो इन सिंक विद मी, ही वांटेड एन ओड टू फादर, तो हमने उसी थॉट को मद्देनजर रखते हुए पब्लिक इतना कर दे गई, बस जरूरी क्या लाइफ में शांति खुशी सेटिस्फेक्शन स्थित प्रज्ञ होना चाहिए लाइफ में। पहले होता था एक फिल्म में एक सारे गाने एक जैसे होते थे, करेक्ट साउंड ट्रैक की बात आप कर रही है ना, कि अगर नदीम श्रवण के गाने होते तो नदीम श्रवण के गाने होते तो आपको पता है कि भाई मुझे यहाँ पर संस्कारी खाना ही डालना, तो मैं संस्कारी खाना डालूंगा। एनिमल वाज द लास्ट साउंड ट्रैक जहाँ पर पांच से ज्यादा गाने थे, इवन एंजॉय रॉकी और रानी अच्छे थे ना, उसके भी गाने अच्छे थे, मेरे गाने तो बजाए नहीं इतना। आप अपने होने का एहसास सामने वाले के सर पे नहीं डाल रहे, अपनी स्टारडम किसी सामने वाले के ऊपर बोझ की तरह नहीं रख रहे कि भैया उठा मेरी स्टारडम को, मैं हिट हूँ, मैं गाने गाता हूँ, मैं स्टार हूँ, अब तेरे कंधे पे मैंने अपनी स्टारडम का बोझ रख दिया है, अब तू बैठ और मेरे बोझ को तू उठा। You know, it has to be, जिसे कहते हैं ना एक अनुग्रह कहते हैं, या फिर जिसे कहते हैं आप एक ग्रेस। There are so many beautiful words for grace, but I think that this is no less than a grace that I get to spend his birthday with him right here in his home. Happy birthday to you. Thank you so much. Thank you. How are you? I'm very good. I'm a little in need of some rest because I've been up since morning. And also, I slept very late last night because I was watching movie Scream with my son. My God, the original. The last one, yeah. Mm-hmm. Okay, can you imagine what a way to bring in your birthday. Watching Scream. So I slept late, but I was okay because I had to wake up very early morning. I had lots of activities. Mm-hmm. We released a short film today. Mm-hmm. Yes, of course. The way I suffered before my Dubai concert this year. I enjoyed seeing it myself today. मैंने देखा और मैंने कहा कि सोनू सर एक content creator बन गए हैं। हाँ, अब क्या हुआ? By chance की बात है कि वो document हो रहा था। We don't take photographers and camera people everywhere. Mm-hmm. That in that trip, they were traveling with me mm-hmm. in Bhubaneswar and Bangalore and mm-hmm. then Dubai. So we happened to record it. And lovely. Because it got documented, so our people suggested, Ashish and all suggested, let's make a short film and then release it as a, it on your birthday. Yeah, so and I saw it. We happened to have shot all of this process of the ups and downs. So we decided to bring it out in public in the form of a short film. And अच्छा लगा मुझे देखिए, even like all my seniors and my contemporaries, there were a lot of people there at the launch. जावेद जी थे, अनूप जरोड़ा जी थे, अनु जी थे, शान पपोन, सलीम मर्चेंट, सुरेश भोसले जी, बहुत लोग थे। जावेद साहब कह रहे थे कि मतलब अच्छा किया जो डॉक्यूमेंट करके इसको दिखा दिया, बिकॉज ऐसे कितनी चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट होती नहीं है, नहीं है, लोगों को पता ही नहीं होता कि किसी गाने के पीछे के प्रोसेस क्या है। थोड़ा बहुत फिल्मों में जब शूटिंग होती तो दिखा देते कि हाँ इसने वर्कआउट किया, इसने ये किया, इसने अपने ओके, बट म्यूजिकली इतना कुछ लोग डॉक्यूमेंट करते नहीं, नहीं है। जी हाँ, तो ये और आज सुबह जितने भी लोग आए थे एंड द नेम्स दैट यू जस्ट मेंशनड, आई थिंक दैट इज आल्सो अ ग्रेस। आई थिंक आज मेरे इंटरव्यू का ये थीम है कि इट्स सो फुल ऑफ ग्रेस बिकॉज यू नेवर सी दिस, यू नो। और ये करना आपके लिए कितना जरूरी है कि अल्टीमेटली हम दोनों या हम जितने भी लोग हैं, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर ऑल इंडिविजुअल्स एंड हम एज आर्टिस्ट अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कभी बीच में नहीं आना चाहिए। ये कैसे, हाउ डू यू मेक श्योर दैट द कम्युनिटी स्टेज टुगेदर? प्यार देना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, इसका कोई और तोड़ नहीं है। जैसे अच्छा गाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, रियाज करना पड़ता है, वैसे ही किसी और का प्यार पाने के लिए पहले सच्चे मन से उसे प्यार करना पड़ेगा। बताओ भी नहीं, पर दिल से करते होगे तो सामने वाला समझ जाएगा, क्योंकि आप प्यार दिखा रहे हैं तो होगा नहीं। पहले अंदर भरो प्यार, पहले इश्क करो जावेद अख्तर से कि क्या आदमी हो यार, पहले अनु मलिक से इश्क करो कि क्या बनाते हो, इतने लाउड हो, इतने अग्रेसिव हो, फिर ऐसे ऐसे काम कर जाते हो। पहले अंदर से प्यार करना पड़ता है शंकर महादेवन को, शंकर क्या यार, शान मेरी जान तू कैसे कैसे कर लेते हो यार। तो जब हमारे अंदर से प्यार उनके लिए निकलता है ना, तो कहना ही नहीं पड़ता। सलीम मर्चेंट को एक बार मैंने कॉल किया था, मुझे याद है, I was watching उनका कोई आईफा का ट्रिब्यूट था। मैं I was so moved seeing what this genius is doing to his own songs. He's creating different chord structure. He's
playing, he and Suleiman, both are playing with the beats and kya chal raha hai. Main usko video call kiya and he was shocked to see my tears rolling down. Maine bola isliye video call kara taki tumko malum pade ki main sirf baat nahi kar raha, main ro raha hu. जब कोई ये देखता है कि सच्चे मन से मेरे क्राफ्ट की या मेरे होने की इज्जत की जा रही है, तब वो प्यार करता है। हम बोलेंगे मेरी जान, I love you यार, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। वो बात फेक भी होता है। I love them, I love my people, अनूप जी मेरे गुरु, उनको मैं कितनी बार बोलता हूँ कि मतलब you know, आप लोगों ने तो सिखाया हमको, पंकज उदास जी ने, अनूप जी ने, तलत अजीज जी ने, बिसाइड्स द ग्रेट लाइक लता जी एंड रफी साहब, वो सब थे, ये लोग भी थे, बहुत बड़ा कारण थे। हरिहरन जी सब हमारे उस्ताद हैं, इनको जब तक मेरे अंदर का प्यार नहीं मिलेगा तब तक ये पहचान, ये तो मानेंगे नहीं मेरी बात को, सो दे नो आई लव देम। इसीलिए जो आपने देखा सुबह वो इसलिए क्योंकि दे नो दैट आई लव देम। इट्स सो रेयर टू सी दैट, आई थिंक कि कभी कोई इवेंट होता है तो इतने सारे लोग एक साथ आते हैं, लेकिन एक इंसान के लिए जब इंसान खड़ा होता है एंड because you said pankaj ji I think that abhi aane baki abhi bhi aane baki hai matlab abhi jo log subah nahi aa paaye raat ko arman aayega sab arman malik log sab aayenge vishal mishra ye log sab raat ko aayenge abhi to abhi khatam nahi hua hai mera kya birthday celebration I can't believe I'm in the middle of this birthday celebration with sonu sa jo subah nahi aa paaye bechare unka apna kaam tha to abhi raat ko aayenge milne ke liye you know in the documentary there was I think one of the most beautiful things that you said that your father was on stage with you and when he realized that you were not feeling too well unhone kaha aaj bhi utni mehnat lagegi mujhe pata nahi tha and it's no secret you're 51 today mashallah you don't look a day over 25 even though you're super tired today but when he said that something inside me said oh my god yes hum apne superstars ko humanity ki nazar se dekhte hi nahi the truth is that you've been putting in the same amount of work for what 25, 30 years? ज़्यादा। I've been working professionally for 47 years now. 47 years हो गया। क्योंकि मैं तो 4 साल की उम्र से गा रहा हूँ। गा रहे हैं, बिल्कुल। बचपन में स्कूल भी करते थे, मैं तो टॉपर ऑफ माई स्कूल। और खेलते भी थे और शूटिंग भी करते थे, फिल्मों में काम किया हुआ है, गाने भी करते थे, रियाज भी करते थे, हारमोनियम बजाता था। तो हार्ड वर्क तो पहले से रहा है। That is why my father, March, April में I was doing like crazy back traveling back, और फिर recordings और उस समय कुछ गाने भी बहुत ज्यादा आ रहे थे तो मैं उठ रहा हूँ सो रहा हूँ फिर तैयार होके I'm going for recording फिर सुबह फ्लाइट पकड़ के कहीं जा रहा हूँ फिर वहां से आ रहा हूँ फिर शूटिंग कर तो he was saying मेरे को लगता है मैंने गलत किया अपने बेटे को उस प्रोफेशन में झोंक के नहीं मनाता इतना बड़ा नहीं सपने नहीं देता इतने बड़े एम्बिशन नहीं देता नॉर्मल ऑफिस को और बन जाता काम वाम कर लेता थोड़ा गाता भी शोज वोज कर लेता कुछ बनने का इतना नहीं होता तेरे अंदर में तो शायद तू इस समय थोड़ी इजी जिंदगी जी रहा होता आई वाज टच्ड एंड ही नॉट ही डिडंट से इट वंस ही रिपीटेड इट अगेन आफ्टर अ कपल ऑफ डेज क्या कर रहा है तू इतना क्यों काम करता है मत कर इतना किसके लिए कर रहा है मैंने पापा मैं इसके अलावा कुछ चाह रहा ही नहीं है मेरे को अच्छा मतलब आई कांट डू मीडियोकर वर्क इफ आई हैव टू सिंग देन आई विल डू माय रियाज मैं मोटा पेट करके नहीं बैठ सकता कि कब अभी तो चलो ठीक है कौन देख रहा है मेरी फिजिक को नहीं मैं स्टेज पे इतना भाग क्यों रहा हूँ मैं क्यों डांस कर रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे मन करता मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा मैं अपना बेस्ट नहीं दूंगा तो मैं अपने आप से ईमानदारी नहीं दिखा रहा हूँ मुझे पता हो कि मैं इससे अच्छा मेहनत कर सकता हूँ आई कैन परफॉर्म बेटर एंड आई चूज नॉट टू डू इट तो ये मेरी अपने आप से बेवफाई होगी तो इसलिए मैं मुझे लगता है फिर मैंने पापा को बोला कि पापा ये डोंट वरी मुझे मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मजबूरी भी नहीं कर रहा और कुछ आ रहा ही नहीं अब आप ऐसे बन गया हूँ तो बन गया हूँ क्या करें मीडिया पर काम हो नहीं सकता बट आई मस्ट टेल यू दैट फेज हम व्हेन वी वर ग्रोइंग अप यू एंड आई आर दैट जनरेशन आई माइट बी यंगर देन यू बट आई एम स्टिल दैट जनरेशन म्यूजिकली यू नो व्हेदर इट्स किशोर कुमार या फिर रफी साहब उसके बाद 90s का एक दौर आया उसके बाद सोनू निगम का दौर अभी तक चल रहा है इज देयर अ रीजन व्हाई आई एज अ फैन डोंट गेट माय सोनू निगम एज मच एज आई वांट टू दिस टू मच कंटेंट सो इवन इफ पहले भी कोई ऐसे नहीं होता था इस अगर आप 1.5 साल में देखें तो लाल सिंह चड्ढा के दो गाने रॉकी और रानी का इतना बेहतरीन गाना रोल लैंड पे शहजादा का टाइटल सॉन्ग मेरा था टाइम बहादुर में इतनी सी बात मेरा गाना था मैंने बहुत गाने गाए हैं इतने ही आते थे पहले भी इतने आते थे बिल्कुल अब क्योंकि और ज्यादा कंटेंट बहुत ज्यादा आता है तो ये खो जाता है देयर इज सो मच म्यूजिक
ऐसे पांच छह और होंगे जो मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रहे, क्योंकि मैं करके भूल जाता हूँ. Are you enjoying yourself in this space singing for soundtracks? Yeah, yeah. Yeah. This is our life. It's अच्छी चीज क्या होगी कि आपको पता ही नहीं कि अगला गाना क्या होने वाला है. क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल. आपको किसी और जॉब में होते तो पता होता है कि आज मेरे गले में मैं आज ये बिस्किट भेजूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो भी तो सरप्राइज एलिमेंट नहीं है उतना. हमारे काम में सरप्राइज एलिमेंट है. नेक्स्ट गाना क्या आएगा, जैसे अभी मेरे भूल भुलैया में गाना आ रहे हैं, दो गाने आ रहे हैं मेरे, तो मतलब अजीब वो अलग चीज हो रही कुछ. व्हाट यू ब्रॉट विद पापा मेरी जान ब्रोक एन एंटायर जनरेशन ऑफ मेन. वो गाना अकेले सुनते हैं और रोते हैं. तीन लड़के बैठे हैं यहाँ पे, तीनों कन्फेस कर रहे हैं. What did you bring to that song? I didn't bring. Where was that song coming from? Because I truly believe that song did something different for the men of our generation. And let's be honest, बहुत कम गाने हैं जो मर्दों के लिए बनते हैं. आप यकीन नहीं मानेंगे. I was performing a private event. कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा गाना कोई फरमाइश करेगा. लेकिन that was I think the fourth show where people were requesting कि पापा मेरी जान कर दें, हमको अपने फादर को ओढ़ देना है. फिर बाप खड़ा है, बेटा खड़ा है, रो रहे दो. ये मेरे साथ में कम से कम चार शोज में हुआ अभी, प्राइवेट शोज में. पब्लिक शोज में होता ही वो तो गाना, सब प्राइवेट शोज में, मतलब कॉर्पोरेट शो है कोई, मान लीजिए माँ को क्यों करेगा ऐसा. वो दर हो रहे, लोग रो रहे. इंसान की अपनी किस्मत होती है, वैसे हर गाने की भी किस्मत होती है. क्यों बनती है कोई चीज, जब मैंने ये गाना सुना, जब मुझे संदीप ने, मुझे बांगा ने मुझे जब बोला, बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा है संदीप, बहुत इज्जत करते हैं मेरी, बहुत प्यार करते हैं, और ही बिकम्स लाइक a fanboy in front of me. So I really love him for what he is, and I'm sure he's in totality like that. People might rub him the wrong way, then he would probably want to react to them, but if he is given love, he gives love back completely. So when he made me kisar ye gana gana hai, to maine bola gana kahan hai, ye to mukhda hi hai sir, kehte sir yahi gana. Mukhda mukhda hai sir gana, andar bhi yahi hai, ye bhi uske kitne andar hai, panch andar hai. Are teri tune aur ek hi bas tune hai. कैसे होगा, और आपको इसकी चारों भाषाएं गानी है, तेलुगु, तमिल और मलयालम गानी, और हिंदी तो गाई रहे. मैं बोला अरे यार बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट मुझे बंदा अच्छा लगता है, और मैंने फिल्म का जो देखा, मैंने बोला ये कुछ अलग फिल्म बनने वाली है. व्हेन आई सैंग, संदीप वाज सो यू नो इन सिंक विद मी, ही वांटेड इट टू बी लाइक एन ओड टू फादर. तो हमने उसी थॉट को मद्देनजर रखते हुए ये गाने को रेंडर किया, फिर तेलुगु में गाया, फिर तमिल में गाया, मैंने मलयालम में गा पाया क्योंकि आई हैड टू ट्रैवल अलॉट. मैंने कहा भी मुझे माफ़ करो, तो बन गई चीज़. अब उसमें ना मेरा क्रेडिट है ना संदीप का है, बन गई चीज़ अभी, समझ लीजिए. लिखा इतना अच्छा गया था, तो आई एम ग्लैड दैट वो गाना चिपक गया. आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस सॉन्ग टू इट टू बिकम सो बिग. एब्सोल्युटली. मैं इतने करता पब्लिक और वो क्वालिटी बहुत रेयर है. इफ यू टेक योर शेल्फ लाइफ, इट्स स्टिल देयर. द शेल्फ लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट, स्पेशली अ सिंगर राइट नाउ, इज फास्ट रिड्यूसिंग. 3 महीने. How do you explain this? Tell you what my opinion about shelf life is. मैं हमेशा सबको ये बोलता हूँ कि रफ़ी साहब ने इतना अच्छे काम किया है, उनके गाने हम आज भी गा रहे हैं, कल भी गाएंगे, हमारे बाद की जनरेशन भी गाती रही, कहीं ना कहीं कोई गा रहा होगा. किशोर कुमार जी के गाने, लता जी, आशा जी, ये हुआ, इससे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो गए ना. जरूरी क्या लाइफ में, शांति, खुशी, सेटिस्फेक्शन, स्थित प्रज्ञ होना चाहिए लाइफ में. कि ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसमें गाना नहीं मेरा, ये मुझसे काम नहीं कर रहा यार, इतने साल से आपने मुझसे काम नहीं किया, इतने साल से ऐसे क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ. आप परेशानी है पब्लिक, आप आए क्या गाने आ रहे हैं, उसके एक के बाद एक गाने आ रहे हैं, गाने आ कैसे रहे, वो प्रोसेस क्या है. तो मेरा ये मानना है कि करियर बहुत जरूरी है, पर करियर से बहुत ज्यादा जरूरी आपका स्टेट ऑफ माइंड है. अगर रफी साहब ने एक अच्छी संतुलित जिंदगी बिताई है तो वो सक्सेसफुल है. बिल्कुल. अगर किशोर कुमार ने अपनी लाइफ का मजा लिया है तो वो सक्सेसफुल है.
उनके गाने आज तक गाए जा रहे हैं, इससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे भी, मेरा कोई एम ये नहीं है, इसलिए मैं किसी आर्टिस्ट को ये भी जज नहीं करता कि ये तो अभी आया था चला गया और मैं तो देखा इतने समय से हूँ। मेरे लिए वो सक्सेस का क्राइटेरियन नहीं है। माय क्राइटेरियन फॉर सक्सेस इज हाउ काइंड यू आर, हाउ नॉर्मल यू आर। आप अपने होने का एहसास सामने वाले के सर पे नहीं डाल रहे, अपनी स्टारडम किसी सामने वाले के ऊपर बोझ की तरह नहीं रख रहे कि भैया उठा मेरी स्टारडम को, मैं हिट हूँ, मैं गाने गाता हूँ, मैं स्टार हूँ, अब तेरे कंधे पे मैंने अपनी स्टारडम का बोझ रख दिया है, अब तू बैठ और मेरे बोझ को तू उठा। तो ये सक्सेस नहीं है। ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग देखे मैंने जो मतलब अटरली अनसक्सेसफुल हैं वो, क्योंकि उनके स्टारडम का बोझ वो खुद नहीं उठा सकते, तो वो दूसरे के सर पे डाल देते। मैं उसको स्टारडम नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि ये नहीं कहता। तो सही जिंदगी जीने वाले लोग मेरे लिए ज्यादा एनलाइटेंड लोग हैं, वो सक्सेसफुल हैं मेरे ख्याल से। मैंने बहुत पहले लिखा था कि एवरी सक्सेसफुल मैन इज नॉट एनलाइटेंड, बट एवरी एनलाइटेंड मैन इज सक्सेसफुल। ये मैंने बहुत पहले लिखा था ऐसे। Do you think the soundtrack is disappearing? हाँ ना, थोड़ा बहुत। Yeah. But देखिए ना, देखो, I'm a radio jockey, I'm very selfish. हाँ, आप लोग तो उसी मेरी ज़िंदगी आपकी तो। भाई, अगर soundtrack नहीं हो, गाने नहीं हो, तो हम किसके इर्द-गिर्द बात करेंगे? And let me be honest, we are here to serve the music. और अगर किसी भी रेडियो जॉकी को लगता है कि आपको लोग सुनने के लिए लोग ट्यून इन कर रहे हैं, तो ये आपका भ्रम है। गानों के साथ आप एक क्या बोलते हैं, साइड डिश हो सकते हैं, एट द बेस्ट यू कैन बी अ गुड साइड डिश। काम बताओ, कमाल की चीज़ आपने, अच्छी बात। हम म्यूजिक सर्व करते हैं, तो ये वो वाली बात हो गई कि जैसे एक इंसान खाना सर्व कर रहा है, टेबल पे लोग बैठे हैं, अभी पता है कि खाना कॉन्टिनेंटल है तो सारे कॉन्टिनेंटल के खाने आएंगे, है ना। अगर भारतीय खाना बना है तो सब भारतीय आएगा, साउथ इंडियन है तो साउथ इंडियन, राजस्थानी राजस्थानी आएगा। अभी यहाँ पे जो हमारे आरजीएस हैं, उनकी हालत ये पड़ी है कि उनको एक खाना मिलेगा राजस्थानी, दूसरा चाइनीज, फिर एक जैपनीज। अभी तीनों को बेचना है इनको कि अभी इसके बाद में ये, क्योंकि पहले होता था एक फिल्म में एक सारे गाने एक जैसे होते थे, करेक्ट? साउंड ट्रैक की बात आप जो कर रही है ना, कि अगर नदीम श्रवण के गाने होते तो नदीम श्रवण के गाने होते, तो आपको पता है कि भाई मुझे यहाँ पर संस्कारी खाना ही डालना, तो मैं संस्कारी खाना डालूंगा। मुझे ये खाने में ये जल लीजिए, जल लीजिए जल का सेवन कीजिए, जल का सेवन कीजिए, बिल्कुल। तो अब ऐसा हो गया मेरे ख्याल से, आरजीएस की दुविधा ये हो गई है कि गानों के प्रकार बदल गए बहुत सारे, है ना। तो एक तरह के गाने आपको नहीं मिलते, बिल्कुल। यू हैव टू, नो, द साउंडट्रैक इज फास्ट डिसअपीयरिंग। या एनिमल वाज द लास्ट साउंडट्रैक, हां, जहां पर पांच से ज्यादा गाने थे, बिल्कुल। और ये मेरे लिए आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेसफुल। आई इवन एंजॉय रॉकी और रानी, अच्छी थी ना, उसके भी गाने अच्छे थे, मेरे गाने तो बजाए नहीं इतना, रोलिंग ने ना इतना नहीं बजाया, कितने इट्स अ क्रेजी सॉन्ग, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और क्या लिखा है बता, कितना अच्छा लिखा है, उफ, और क्या गाया सोनू ने, बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स, यू नो, यू कैरी इट सो लाइटली, यू आर सो कूल, आई मीन, लेट मी रिमाइंड यू, आई एम स्टिल सिटिंग क्रॉस लेगेड विद अ पद्मश्री, ओके, लेट्स नॉट फॉरगेट दिस, ओके, आई एम ऑफ दैट जनरेशन व्हेन ही सैंग नॉट दिल दीवाना, आई एम ऑफ दैट जनरेशन व्हेन ही सैंग दीवाना तेरा, यू नो, दैट्स द सॉन्ग व्हेन वी सॉ दैट वीडियो, आई एम ऑफ द जनरेशन व्हेन ही वाज ऑन टीवी होस्टिंग अ फर्स्ट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक सिंगिंग रियलिटी शो, सो लेट मी जस्ट टेल यू गाइस दैट Sonu Nigam for me has been a part of my life. Okay, it means so much to me to be doing this. Thank you. But do you think that what can we do better in this time and space to make sure that we make music that lasts? Times change. Har zamane mein acha, average, mediocre aur ghatiya. Teen tarah ka kaam, teen tarah ke log, teen tarah ke politician, teen tarah ke doctor, teen tarah ke actor. हर तरह के बिजनेसमैन आपको मिलेंगे, ऐसे अच्छे, मीडियोकर और घटिया, तीनों मिलेंगे आपको। अच्छे समझदार लोग अच्छे वालों के साथ में काम निकालते रहेंगे, तो अच्छा काम होता आ रहा है। देखिए आजकल मैं तो, जब आपने बात की मेरे टेलीविजन शो की, जब मैं करता था म्यूजिकल शो, उस समय लोग अच्छा गाते थे, पर आज के बच्चे ज्यादा अच्छा गाते हैं, क्योंकि उनका बचपन बीता है सारे गांव को देख कर कि यहाँ से सब रियाज कर रहे हैं, क्योंकि उस जमाने के पहले लोग इतना रियाजी नहीं आते थे, इतने सीखे हुए नहीं आते थे। तो 95 में मेरे शो से जो वेव चली है ना, रियाज करने की, सीखने की, तालीम लेने की, आ रहे हैं बड़े बड़े लोग हमारे शोज में आ रहे हैं और बच्चों को बता रहे हैं, बेटा क्लासिकल सीखो, सरगम, ये कौन सा राग है, ये कौन सी, अच्छा, वो उसको खुद नहीं पता, क्योंकि मैं तो सीखा ही नहीं था।
तो होस्ट को पता ही नहीं, तो होस्ट भी खुद सीख रहा है कि अच्छा ये निकाल, अच्छा ये आ गया, अच्छा हम भी सीख रहे थे उस समय, क्योंकि हमने बचपन में कभी समय सीखा नहीं था। तो जो हम तो चलो फिर अपने काम में कार्यरत हो गए, लेकिन जो बच्चे उस समय बड़े हो रहे थे उनके माँ बाप ने बोला अरे मेरे बच्चा अच्छा करता है, सिखाओ यार, सुनो तुमने कहा था सीखा चाहिए ना। तो एक पूरी जनरेशन मेरी वजह से, मेरे शो की वजह से, क्योंकि हमने, मैंने इतना बोला है क्लासिकल सीखो, क्लासिकल सीखो, ये सीखो, खुद तो सीखा नहीं था, बिकॉज तो शायद उसी लिए मैं खाना पूर्ति कर रहा था, ओवर कॉम्पनसेट कि मैं नहीं कर पाया तो तुम तो करो। बिल्कुल, तो सारे अरिजीत सिंह सब सीखे हुए बंदे, सब एक से एक, सब तकड़े रियाज वाले पलटे, सब सबके, सबको रागों का पता है, तालों का पता है, जितने भी सिंगर्स जितने भी आ रहे हैं, तो जनरेशन तो अच्छी हो रही है, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग की म्यूजिक कंपोजर्स भी बहुत टैलेंटेड हैं, सारे कंपोजर अच्छा गाते भी हैं, प्रोग्रामिंग जानते हैं, गिटार जानते हैं, पियानो जानते हैं, विशाल मिश्रा कितना अच्छा गाता है, कितना अच्छा कंपोज करता है, ही नोज, यहाँ पे घर पे बैठता था तो वो पियानो भी बजा रहा है, गिटार भी बजा रहा है, और इतना अच्छा गा भी रहे, सो ये सब टैलेंटेड लोग हैं। कुछ ऐसा आएगा जो जो मुझे लगता है कि टेबल टर्न कर देगा, कुछ ऐसा उसमें कुछ है ऐसा, तो उम्मीद करते हैं कि वो उसमें वो अच्छा हो, क्योंकि मेहनत तो ही है उसमें काफी, बहुत बढ़िया, एंड लोगों को पसंद आ रहा है, तो शूट हो गया, जब वो आएगा तो मालूम पड़ेगा उसका। एंड अदर देन दैट आई हैव सन इन लॉट ऑफ मूवीज, यहाँ वहाँ होती रहती है, अभी तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं सितंबर में ही थोड़ा सा खाली हूँगा, फिर तब कुछ देखते हैं आने के बाद काम होगा। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल, आई नो दैट टुडे यू गिवन मी दिस मच टाइम, इट्स अ ग्रेस, because I know that it's a crazy day and aapko ye interview bahut quiet lag raha hai, but the truth is that there's 100 people standing on the other side and they're all here to wish him a happy birthday. So I want to wish you a happy birthday once again. Thank you so much. And I will have this memory forever because you're just one of a kind. So thank you so much mere show par aane ke liye. Thank you. Thank you so much. Love you.